फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अपने बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष लाटा। बाय प्रोफेशन मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट इज CMA, जिसे हम पहले ICWA के नाम से या CWA के नाम से जाना करते थे, जिसे अब नाम परिवर्तित करके CMA कर दिया है। दोस्तों, मैं राजस्थान की कैपिटल जयपुर से बिलोंग करता हूँ एंड जैसा कि आप लोगों ने ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देख ही लिया हुआ कि आज का जो वीडियो है वो किस बेस को लेके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो मैं उन मेरे भाइयों के लिए, उन मेरे दोस्तों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो अभी नवंबर 2019 में अपियर हुए थे CA फाइनल एग्जामिनेशन में, या मैं ये कहूँ कि सिमिलरली अब जो रिजल्ट आने वाला है IPCC का, उसके लिए भी एज वेल एज ये एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों, ये हम लोगों ने आज तक कभी हमारे फ्रेंड्स, हमारे सीनियर्स से पूछा होगा, जब उन्हें किसी पेपर में अगर वो नंबर की मार्किंग को लेकर अगर वो डिससेटिस्फाइड होते हैं तो वो अपनी कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज जो कि ICAI आप लोगों को प्रोवाइड करता है बाय चार्ज फीस ऑफ ₹500 पर पेपर, तो आप लोगों को ICAI वो चीज़ प्रोवाइड करता था। अभी रिसेंटली एक मिस्टर पारस जैन हैं, स्टूडेंट थे अपने ICSI के, उन्होंने ICSI CS के स्टूडेंट थे, तो ICSI के अगेंस्ट उन्होंने एक केस फाइल किया एंड अभी रिसेंटली अप्रैल 2019 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि दैट अपना RTI एक्ट अब ICSI एंड ICAI एंड ICMI के ऊपर बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बिकॉज ये भी एक पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं। सो अकॉर्डिंगली अब पॉइंट अराइज ये होता है कि सर, हमको RTI के तहत कॉपीज तो मिलेंगी, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है थोड़ा एक बार वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रोसीजर शेयर करूंगा एंड उस पूरे प्रोसीजर के तहत कि हमें क्या करना है, किस तरह हम अप्लाई करेंगे एंड कितने दिन में हम लोगों के पास ये कॉपीज आएगी। और हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग RTI के तहत अगर एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो CA इंस्टीट्यूट हमारे रोल नंबर या हमारे CRO नंबर रख लेगा या जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रख लेगा और अगली बार वो हमारे से कुछ आप लोगों से दुश्मनी निकालेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि क्या प्रोसीजर है, पूरा बाकायदा हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह करना है, क्या सिनेरियो रहेगा और इसकी क्या फीस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर इसकी फीस क्या रहेगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो फीस चार्ज करेगा ये ICAI नहीं करेगा, ये RTI एक्ट के तहत फीस है जो कि बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, दैट इज ₹10। क्या सर ये ₹10 पर ईच पेपर है? नहीं दोस्तों, ये ₹10 आपकी एप्लीकेशन फीस है, चाहे आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपके 8 सब्जेक्ट्स की कॉपी मंगाना चाहें। अब पॉइंट ये राइज होता है, सर क्या कॉपीज की और एडिशनल कोई फीस लगेगी? दोस्तों, अगर आप हार्ड कॉपी के अंदर, हार्ड कॉपी मतलब कि अगर आप अपने घर एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं कॉपीज, तो दोस्तों आपको A4 साइज के ₹2 पर पेपर आप लोगों से फीस चार्ज की जाएगी। बट मैं सभी जानता हूं कि अभी जितने भी CA स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग मेल्स वगैरह से सब लोग कनेक्टेड हैं एंड कुछ एक लोग जो कि अभी भी जिनका ऑफिस चल रहा है तो उन्हें तो पता ही है कि मेल पे एक बार आने के बाद उन्हें कहाँ से उसके प्रिंटआउट्स निकालने हैं। तो दोस्तों, अपने को बेसिकली इसमें मेल पे आपको आएगा एंड सर कितने दिन में आएगा ये भी आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता है। तो सर, आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, RTI एक्ट के तहत अगर हम कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो जो हमारी अथॉरिटी है, दैट इज हमारा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो within 30 days, जी हाँ दोस्तों, within 30 days आप लोगों को रिप्लाई करेगा एंड रिप्लाई में आपको आपके सर्टिफाइड कॉपीज प्रोवाइड की जाएगी। सर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो 30 days का जो टाइम है ये मैक्सिमम टाइम है, जी हाँ दोस्तों, 30 days इज ए मैक्सिमम टाइम। 30 दिन के अंदर अंदर आपकी कॉपी आपके हाथ में होगी और ये 30 दिन की कैलकुलेशन कब से होगी? सर जिस दिन हम लोग इसकी एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। एंड सर, अब पॉइंट अराइज ये होता है कि आप लोगों को मैं बता दूं, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने ICAI के पोर्टल से वो लोग अप्लाई कर रहे हैं एंड मुझे सुनने में आया वो सब लोग बोल रहे हैं कि सर अभी भी वहाँ पे फीस चार्ज की जा रही है और क्या सर ICAI हमको जल्दी कॉपी प्रोवाइड कर देगा, इस तरह की कुछ एक क्वेश्चन हम लोगों के माइंड में है। तो
तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आईसीआई ने जो टाइम दिया हुआ है सर्टिफाइड कॉपीज प्रोवाइड करने का, तो दोस्तों वो टाइम है 4 to 6 weeks. दैट मीन्स 4 to 6 weeks मतलब अराउंड 28 to 42 days. और आप मान के चलिएगा दोस्तों, ये आपको इजीली 1 month से लेटर ऑन ही मिलती हैं, क्योंकि आईसीआई को बहुत से रिप्लाई देने होते हैं. एंड बट आरटीआई एक्ट के तहत अगर मैं बात करूं, तो आरटीआई एक्ट के तहत जो आपको कॉपीज प्रोवाइड की जाएंगी वो मैक्सिमम टाइम फ्रेम है 30 days. उसके लिए कोई फीस एडिशनली चार्ज नहीं है एक्सेप्ट दैट 10 rupees. और अगर आप बीपीएल से आ रहे हैं तो वो 10 rupees भी आप लोगों के लिए माफ है. अब सर पॉइंट यह है कि हमें क्या आईसीआई पोर्टल पे जाके उसके लिए अप्लाई करना है? नहीं दोस्तों, हमको आईसीआई के पोर्टल पे जाके अप्लाई नहीं करना है. अब मैं आप लोगों को दोस्तों उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह हम लोगों को अप्लाई करना है, वो सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ. तो बने रहिएगा मेरे साथ. और अगर हाँ, आप लोगों से एक गुजारिश जरूर रहेगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर कि किस तरह हम लोगों को इसका प्रोसीजर करना है. देखो दोस्तों, ये एक अभी रिसेंटली अपना जो जर्नल आती है उसके तहत अभी प्रोसीजर उसमें भी डिफाइन किया गया था कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मिस्टर पारस जैन थे स्टूडेंट ऑफ आईसीएसआई जिन्होंने 7 साल तक के लिए 7 साल तक लड़ा एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 14 अप्रैल 2019 को. और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया आईसीएसआई वर्सेस पारस जैन. उन्होंने क्लियर किया कि कैंडिडेट इज फ्री टू अप्लाई सर्टिफाइड कॉपीज अंडर आरटीआई एक्ट 2005 एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द इंस्टीट्यूट एंड फीस एज टू बी चार्ज्ड एज पर द आरटीआई रूल्स. एंड एप्लीकेशन जो है, अब ये हमारा जो मेरे हिसाब से काफी सारे स्टूडेंट्स के पास ये मेल भी आया होगा जर्नल के तहत, तो इसका जो प्रोसीजर है दोस्तों, उस प्रोसीजर को हम प्रोसीजर डिफाइन करते हैं. एंड प्रोसीजर कुछ इस प्रकार है दोस्तों, हमको सबसे पहले हम लोगों को गूगल पे जाना होगा एंड गूगल पर जाकर हम लोगों को टाइप करना है आरटीआई ऑनलाइन. जी हाँ, rtionline.gov.in ये हम लोगों को टाइप करना है. और जैसे ही हम लोग एंटर मारेंगे तो एंटर करते ही हमारे स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ओपन होगा. मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आपको. और यहां पर आपको लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स आएगा. एंड ये दोस्तों आरटीआई की साइट है, सीए इंस्टीट्यूट की साइट नहीं है, मैं आपको बता दूं. तो अकॉर्डिंगली अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां तो मैंने अपना यूजर नेम क्रिएट किया हुआ है. सो अब वो लोग जिन्होंने यूजर आईडी क्रिएट नहीं कर रखी है आरटीआई की साइट पे, या आरटीआई से कभी कोई उन्होंने किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी आरटीआई से नहीं करी है एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम आरटीआई एक्ट के तहत आए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जाना होगा साइन अप. दोस्तों ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा साइन अप. इस साइन अप पे हमको जाके क्लिक करना है. एंड जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, हमारे लिए ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. एंड इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले वो आपसे पूछेगा यूजर नेम. दोस्तों यूजर नेम आप कुछ भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, बट उसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि जो यूजर नेम है वो मिनिमम 8 अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर का होगा. तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मेरा यूजर नेम सपोज रखा है, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम, मेरे चैनल से आप लोगों को मेरा नाम पता पड़ गया होगा कि आशुतोष लाटा है. मैंने मेरा यूजर नेम क्रिएट किया है सपोज से ASHU1234. अब ये हैंड टू हैंड मुझे बताएगा क्या ये यूजर नेम अवेलेबल है, ये अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है. एंड इन्होंने बोला कि ASHU1234 इज ऑलरेडी इन यूज. तो हम दोस्तों इस जगह 1234 की जगह 5678 भी डाल देते हैं एंड फिर हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी है क्या. अवेलेबिलिटी ये भी अवेलेबल है दोस्तों, तो बेटर है मैं कुछ यूनिक लेता हूँ, आशुतोष जो कि मेरा नाम है, LATA मेरा सरनेम एंड 1234 ये मैं ले रहा हूँ, आशुतोष लाटा 1234. अब ये अवेलेबिलिटी चेक करते हैं तो ये अवेलेबल है दोस्तों. तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए अवेलेबल हो, जो आपके लिए सूटेबल हो, वो आप लोगों को यूजर नेम रखना है. देन आपके लिए पासवर्ड, व्हाटएवर जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें, तो मैंने मेरा पासवर्ड यहां पे डाल दिया है.
और ये मेरी इन्होंने बोल दिया है कि सर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड है, जैसा कि मैं हूं दोस्तों। ये मैंने कंफर्म किया है पासवर्ड, एंड अब मुझे मेरी ईमेल आईडी प्रोवाइड करानी है, जिसके ऊपर, जिस मेल आईडी पर ये लोग आपको एक्टिवेशन की प्रोवाइड करेंगे, और उस एक्टिवेशन की के को एंटर करके ही आप अपने आरटीआई के तहत एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहां पे सपोज मैंने मेरी मेल आईडी डाल दी है, और जैसे ही मैंने मेरा मेल आईडी डाला, क्योंकि मेरे मेल आईडी से सिंक्रोनाइज थे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन उन्होंने बोल दिया ये कैपिटल में है इसलिए मैच नहीं कर रहा है, तो CMA ASHUTOSH@gmail.com ये मेरी मेल आईडी है, और ये इन्होंने कहा प्लीज चेक फॉलोइंग आईडी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म, ये आपने चेक कर दिया है। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आप यूजर टाइप, तो यूजर टाइप में हम इंडिविजुअल डालेंगे क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल हैं। आपने नेम डाला, सपोज मैंने मेरा नाम डाल दिया है आशुतोष लाटा, यहाँ पे जेंडर, मेल, एड्रेस डाल दिया है, पिन कोड आ गया है, कंट्री आ गया है, स्टेट आ जाएगा, आपका स्टेटस कि आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन से हैं, जैसे कि मैं अर्बन से हूँ मैंने अर्बन डाल दिया। एजुकेशन स्टेटस, ऑब्वियस सी बात है कि हम सभी लोग लिटरेट हैं, आईसीआई नहीं मानता वो अलग बात है। तो अभी हम लोगों को इसमें अबव ग्रेजुएट में ही डालेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वी आर अबव ग्रेजुएट्स। सो अब इसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, और जो कंपलसरी कॉन्टैक्ट नंबर है वो मोबाइल नंबर के अंतर्गत आप लोगों को शेयर करना है, ताकि आप लोगों को SMS अलर्ट आ सके। तो सपोज मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो कि है 7976636364, इस पे मैंने मेरा एंटर कर दिया है, एंड अवेलेबिलिटी हो गई है चेक। अब मुझे डालना है 2487 77, जो कि है सिक्योरिटी कोड। जैसे ही मैं दोस्तों सबमिट करूंगा, इन्होंने बोला CA CMA आशुतोष लाटा इज ऑलरेडी इन यूज, क्योंकि मैंने मेरी मेल आईडी, जो मैंने मेरा यूजर आईडी क्रिएट किया था उस पर ये आ चुका था। लेकिन जैसे ही आप लोग करेंगे, ये इमीडिएट इफेक्ट से आप लोगों को सब्सक्राइब कर देगा। चलिए मैं आपको, अब फिर उसके बाद में आपको एक मेल आएगा, जैसे कि मेरे पास आया था वो मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह का कुछ आपके पास मेल आएगा, एंड मेल में कुछ इस तरह का लिखा होगा, डियर सर, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ योर यूजर रजिस्ट्रेशन इन आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें आपको यूजर नेम दिखेगा, नेम दिखेगा, यूजर टाइप आ जाएगा, मेल आईडी आ जाएगी, एंड एक्टिवेशन की एंड मोबाइल नंबर आप लोगों को शेयर किया हुआ दिखाएगा। दोस्तों ये जो एक्टिवेशन की है ये आप लोगों को वहां एंटर करना है। जब आप आएंगे वापस, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो इसलिए मेरे को वापस डालने की जरूरत नहीं है, तो मैं मेरा वापस मेरा यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा हूं केवल। और जैसे ही मैं साइन इन करूंगा तो मेरा साइन इन हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से साइन इन करने से पहले वो आपसे वो एक्टिवेशन की मांगेगा एंड आपकी मेल आईडी मांगेगा। जब वो आपकी मेल आईडी और एक्टिवेशन की आप डालेंगे, तो आप भी इसी पेज पर चले जाएंगे, और इस पेज पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डालनी है, सबमिट करनी है रिक्वेस्ट। अगर हम लोग हमारी कॉपीज के लिए मांग रहे हैं तो रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, ये आपको गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कि हम कभी पढ़ते नहीं हैं, और सीधा हम लोगों को आई हैव रीड, चाहे हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबाउट गाइडलाइंस, क्योंकि हम लोग अंतर्यामी, हमने बिना पढ़े समझ में भी आ गया। सबमिट, जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये इस तरह का पेज आप लोगों के सामने खुलेगा, और इस तरह का पेज आप लोगों के सामने खुलेगा तो अब हमें क्या करना है सर, तो यहाँ पर ये पब्लिक अथॉरिटी की डिटेल्स आप लोगों से मांगी जा रही है, और पब्लिक अथॉरिटी की डिटेल्स में आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे पब्लिक अथॉरिटी, जिसे हम सर्च करेंगे चार्टर्ड के नाम से। जैसे ही हम चार्टर्ड शब्द पूरा भी नहीं लिखेंगे, उससे पहले यहाँ पे आ जाएगा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे ओके मांगेगा, और इमिजिएटली ये आपके ऑटो फिल कर देगा। आपको अब क्या करना है, क्योंकि आपकी डिटेल आप लोगों ने रजिस्टर्ड की थी, तो वहां से ये ऑटो ले लेगा कि हाँ आपका नाम है ये, जैसे कि मैंने मेरे ब्रदर के लिए अप्लाई किया है आदित्य लाटा, एंड जेंडर आ गया है, आपका एड्रेस आ गया है, पिन कोड आ गया है, आपका कंट्री आ जाएगा, स्टेट सेम वही चीज जो हमने उस टाइम डाला था,
बाकी सारी डिटेल्स, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कंफर्म ईमेल, सिटीजनशिप, द इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर आप बीपीएल वाले हैं तो यस करेंगे और उसका अटैचमेंट डालेंगे बीपीएल कार्ड का, एंड अगर नहीं है तो नो, बेटर यही रहेगा कि 10 रुपीज इज नॉट अ बिग डील, सो आप लोग इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। एंड इन्होंने कहा कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे आरटीआई फीस ऑफ ₹10। दोस्तों ये 10 रुपए की फीस आप लोगों को पे करनी है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, अब इन्होंने कहा है टैक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, टैक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। अब इसके अंदर हमें एक एप्लीकेशन फाइल करनी है और उस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए दोस्तों, उस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए हमें हमारी पूरी जो एप्लीकेशन, अब सर पॉइंट यह होता है कि सर आज से पहले जब भी हम लोगों ने कॉपीज मंगाई थी तो कॉपीज मंगाने से पहले हम लोगों को क्या करना होता था सर, बाय हैंड हम लोगों को हमारी हैंड राइटिंग के अंदर बहुत सुंदर सुंदर, जितनी हमारी एग्जाम हॉल में भी नहीं रही उससे बढ़िया हैंड राइटिंग के अंदर हमें एप्लीकेशन लिख के स्कैन करके देनी होती थी। लेकिन क्या सर यहाँ पर भी स्कैन करने की जरूरत है? जी नहीं दोस्तों, यहाँ कोई स्कैन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के अंदर, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका पूरा ड्राफ्ट, क्या एप्लीकेशन है उसका पूरा ड्राफ्ट शेयर कर दूंगा, आप लोग उस ड्राफ्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है जिसे आप फिल करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो ड्राफ्ट क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ये है हमारी एप्लीकेशन, थोड़ा जूम करेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी आईसीआई भवन, सब्जेक्ट आपका आ जाएगा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर बुक ऑफ द सीए फाइनल एग्जामिनेशन अंडर आरटीआई एक्ट, डियर सर आई हैव अपीयर फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन एंड सो ऑन। ये आपके बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फादर्स नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स आ जाएंगे, मेल आईडीज आ जाएगी, एड्रेस, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जामिनेशन कौन सा दिया था, कौन सा मंथ था, कौन सा ईयर था, क्या आपके रोल नंबर रहे थे, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एंड ये पूरा ड्राफ्ट तो आपको, और एंड में आपका योर फेथफुली जो भी आपका नाम है एंड आपके सीआरओ नंबर है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, इसका पूरा आपको वर्ड फाइल, तो आप लोग वहां से इसको कॉपी पेस्ट करके जस्ट केवल आपका जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग, जो भी आप लोगों की डिटेल्स है, आपकी रेस्पेक्टिव, आपके नेम, आपके रोल नंबर, आपके फादर्स नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, दोस्तों ये आप लोग सभी ये चीज करेंगे। एंड देन जस्ट सबसे अच्छी चीज कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आके कंट्रोल वी, दैट्स इट। ये हम लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी में हम लोग बहुत माहिर हैं सभी लोग। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है दोस्तों ये, तो इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हमें चूज करनी है फाइल। अब सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन सा, तो दोस्तों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को शेयर करना है आप लोगों का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा सर, जो हमने एग्जाम दिया है नवंबर 2019 का, या जो भी रेस्पेक्टिव अटेम्प्ट आप लोगों का है उस अटेम्प्ट का आपको एडमिट कार्ड, जस्ट यहाँ पर उसकी फाइल आप लोगों के पास पीडीएफ में पड़ी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ से चूज फाइल किया एंड ये मेरे पास पड़ा है, तो मैंने यहाँ से उठाया आदित्य एंड ये ओपन कर दिया एंड यहाँ पे ये अटैच हो गया। और फिर जस्ट मुझे क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है। सिक्योरिटी कोड डालते ही, जैसे मैंने सिक्योरिटी कोड डाला 737989, जैसे ही मैं डालूंगा ये हैंड टू हैंड बोलेगा मेक पेमेंट, क्योंकि मैं मेरे ब्रदर के लिए ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूं एंड 10 रुपीज इज ए ह्यूज अमाउंट, तो मैं वापस एप्लीकेशन नहीं डालना चाहूंगा। एंड आप लोगों को बता दूं कि आपको ये आगे इंस्ट्रक्शन भी देगा कि सेम कॉपीज के लिए आप बार बार एप्लीकेशन ना लगाएं, क्योंकि और अब आपको यहाँ मेक पेमेंट करना है। दो ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, नेट बैंकिंग और सेकेंड वन इज योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जैसे ही आप लोग वो ऑप्शन करेंगे, तो दोस्तों आपको बता दूं, बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को एक, इन लोगों ने वहां से एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को देना है, वो एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा एंड उस एप्लीकेशन नंबर से आप लोग ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ हुई, क्या हुई। अब क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने मेरे ब्रदर की एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल की है, तो मैं इसको आगे पेमेंट के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ। आप इसको मेक पेमेंट, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको मेक पेमेंट, इस मेक पेमेंट पर आप जाएंगे एंड मेक पेमेंट आप लोग करके एप्लीकेशन को फाइल कर देंगे। अब सर हमारा काम क्या बच गया दोस्तों, अब आपका काम कुछ नहीं बचा है, आपने पेमेंट कर दिया है, आपका 10 रुपीज आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं, आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर वहां से मिल गया है,
उस एप्लीकेशन नंबर से आप लोगों को करना क्या है, अब यहां पर क्योंकि मैंने किया है पूरा, तो अब मुझे केवल और केवल व्यू स्टेटस में जाना है। जैसे ही मैं व्यू स्टेटस में जाऊंगा, वो आपसे एंटर मांगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ जो आपने एप्लीकेशन लगाई थी उसका एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, एंटर करें मेल आईडी और एंटर कर दें सिक्योरिटी कोड। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप लोगों का वो ओपन हो जाएगा और इसी तरह से आप लोगों की स्टेटस आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड सर आपको मैं बता दूं, मैक्सिमम टाइम लिमिट है 30 डेज, 30 डेज में आप लोगों के पास कॉपीज कन्फर्म आ जाएंगी। अगर इन केस नहीं आती हैं तो हमारे पास ऑप्शन है सबमिट करने का, फर्स्ट अपील पे जाने का, जो कि हम 38 डे के बाद जा सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को बता दूं सर, हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने तो ये बोला था कि हम विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट से 30 डेज के भीतर भीतर हम लोगों को क्या हम लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं। क्या आरटीआई में भी यही 30 डेज की लिमिट है? नहीं दोस्तों, आरटीआई के अंदर ये 30 डेज की लिमिट नहीं है। आरटीआई में लिमिट है जब तक वो अथॉरिटी, रेस्पेक्टिव अथॉरिटी उन डॉक्यूमेंट्स को संभालने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारे आईसीआई के अंदर है 120 डेज। जी हाँ दोस्तों, आईसीआई 120 डेज, 120 दिन आपके रिजल्ट से 120 दिन तक आप लोगों के लिए कॉपीज को संभालने के लिए वो उत्तरदायी है, और 120 दिन के भीतर भीतर आप आरटीआई के तहत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, आपकी कॉपीज मंगा सकते हैं। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी इस कॉपी को मंगाने के लिए कोई एज सच कोई वो नहीं है कि आपको विद इन 30 डेज हो गए सर हम तो अब एप्लीकेशन नहीं मंगा सकते हैं, ये तो इस तरह से आप लोग ये पूरा प्रोसीजर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोग पूरा प्रोसीजर आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं। अगर स्टिल इन केस अगर आप लोगों को लगता है कि ये प्रोसीजर में कहीं समझ नहीं पाए हैं या समझ नहीं आया है, तो दोस्तों आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहें कि नहीं सर हम कमेंट बॉक्स में नहीं, हम तो प्रॉम्प्ट रिप्लाई चाहते हैं, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स नोट कर सकते हैं। एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 7976636364। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे से कभी भी कॉल कर सकते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट लगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोगों की क्वेरी सॉल्व हुई होगी। एंड अब कॉपीज की रही बात, कॉपीज अपने आप आती रहेंगी, अब हम लोगों को कॉपीज का वेट नहीं करना है दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों का रिजल्ट्स नेगेटिव रहा है, हमारे पास केवल और केवल एक ही चांस है कि हम पढ़ाई करें। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट लग जाओ अभी से, मई अटेम्प्ट अब दूर नहीं। एंड हाँ याद रखिएगा दोस्तों, इस बार आप कॉपीज मंगा रहे हैं क्योंकि आप फेल हुए हैं, एंड अगली बार आप ध्यान रखिएगा आपकी मार्कशीट इंस्टीट्यूट ठेठ घर भेजेगा बिकॉज, और उसको आप लोगों को लेने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बिकॉज आप लोग उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स अ लॉट।